ट्रेडिशनल मील रेसिपी। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी अनारसे। अनारसे बनाने के लिए एक ग्लास चावल लेना है। चावल को पानी की सहायता से वॉश करके अच्छे से पानी में सोक करके रखना है। तीन दिन पानी चेंज करना है सुबह शाम। फिर 3 दिन के बाद उसको स्ट्रेनर में ट्रांसफ़र करना है जिससे कि उसका पूरा पानी निकल जाए। उसको आधा घंटा स्ट्रेनर में रखना है। उसके बाद उसको कपड़े पे ट्रांसफ़र करना है और कपड़े पे सुखाने के बाद उसको मिक्सी में जार में लेके अच्छे से पीसना है जिससे कि उसका सॉफ्ट एकदम पाउडर बन जाएगा। फिर उसके बाद स्ट्रेनर की सहायता से उसको छानना है और उसके ऊपर का जो दरदरा पाउडर रहता है उसको फिर से पीस के उसमें मिक्स कर देना है। फिर एक ग्लास चावल के लिए 3/4 ग्लास शक्कर लेना है। उसको भी पीस लेना है और पीस के उसमें मिक्स करके उसके लड्डू बना देने हैं। लड्डू बना के 3 दिन उसको रखना है। 3 दिन के बाद इसमें से एक लड्डू लेना है और उस लड्डू को बड़ी इसमें लेने के बाद थाली में लेने के बाद उसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके उसको आटे जैसे गूंथ लेना है। देखिए इस तरह से गूंथना है, थोड़ा थोड़ा पानी लेना है। गूंथने के बाद उसमें से एक लोई लेनी है और उस लोई को एक पॉलीथीन की बैग को काट के उसमें तेल लगा के उसके ऊपर रखना है और ऊपर से भी पॉलीथीन रख के फिर उसको अच्छे से बेलना है। बिल्कुल धीरे धीरे बेलना है, बेलन की सहायता से धीरे धीरे बेलना है। देखिए अब इसको छोटी सा जब पूरी बन जाएगी तो उसको एक कढ़ाई में थोड़ा तेल लेके उसको थोड़ा सा गर्म करके उसमें डालना है और धीमी आंच रखनी है। अब ये एक तरफा ही पकाना है, एक तरफा ही उसको हम ट्राई करेंगे। इसलिए उसमें देखिए अब इसमें आपको छेद दिखते जाएंगे। देखिए ये पक रहा है। अब इसको ऊपर से थोड़ा थोड़ा तेल डालते जाएंगे कि जैसे कि वो ऊपर से भी अच्छे से पक जाए और फिर उसको निकाल लेना है। निकालने के बाद इस तरह से अनाज से तैयार। अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको नए नए रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे।